जब तुमसे नहीं बनेगा 24 घंटा तुम्हारे साथ रहता है। कौन से बिजनेस? अच्छा तुम्हारा भी अरे अच्छा मार के भागे देखो नोच भी हो तुम देखो देखिए नोच के भागी है अभी अभी देखिए नोच के भागी है पूरा वीडियो बन रहा है अब देखिए यही करके पूरा दुनिया में ये करती है देखो देखो हमने इसको कुछ किया है यहाँ मार के दुनिया को दिखाएगी कि हम मारे हैं वही वही करेगी कहाँ किधर भागी देखो हमको क्या कर दी देखो ये भागी है मैं देखता हूँ बच्चा को तो ये पढ़ना ही नहीं नमस्कार सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। वीडियो देखकर आप अब तक इस बात का अंदाजा लगा चुके होंगे कि जरूर ये वीडियो किसी पति पत्नी की लड़ाई का है और आप सच भी हैं। लेकिन ये वीडियो जिस पति पत्नी की लड़ाई का है उसका नाम और उसके बारे में जानकर आप भौचक्के रह जाएंगे। दरअसल हम और आप जब किसी से प्रताड़ित होते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस का रुख करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब खुद पुलिस का एक अधिकारी किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाए जिससे बच निकलना उसका नामुमकिन हो तो फिर वो क्या करेगा। ये वीडियो उस बात का सबूत है। इससे पहले कि हम आपको इस वीडियो की सच्चाई और पूरी खबर बताएं, एक बार फिर से आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और पूरा माजरा क्या है वो समझने की कोशिश करिए। विकी हम नहीं कहीं जा रहे हैं, हम नहीं कहीं जा रहे हैं। देखो ना कहाँ दौड़ा, देखो कहाँ दौड़ रहा, छोड़ दो, सुनो छोड़ दो, कहाँ दौड़ रहा है, तुम्हारे लिए दौड़ रहा है, पैन के लिए दौड़ रहा है, पैन एक मिनट बना दो सेकंड में ही पीछे से, अभी तो ना पापा पकड़ रहा, देखो रुको, पान लो विकी, पान लो, पान लो, पान लो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, अच्छा पान लो, पान लो, पान लो, पान लो, पान लो, रुको, बैठो, विकी, रुको, अच्छा हमको दम पहनते हैं जब तुमसे नहीं पनेगा 24 घंटा तुम्हारे साथ रहता है। कौन से बिजनेस? अच्छा अच्छा तुम्हारा भी अरे अच्छा मार के भागे देखो नोच दी हो तुम देखो देखिए नोच के भागी है अभी देखिए नोच के भागी है पूरा वीडियो बन रहा है अब देखिए यही करके पूरा दुनिया में ये करती है देखो देखो हमने इसको कुछ किया है बच्चे के साथ कपड़ा नहीं पहन रहा था वो उससे पहनती नहीं एक्चुअली बच्चे से नफरत करते हैं उसके बाद जब मैंने मारा देखा मैंने खुद देखा मैं ही कर रहा था और वो अब क्या करेगी अभी तो कुछ नहीं हुआ था अभी दीवार वाल पटक के को मार करके देखिए मेरा अभी अभी लौ लौन करके भागी है ताजा चोट अब वो खुद दीवार में पटक के यहाँ मार के अब दुनिया को दिखाएगी कि हम मारे हैं वो वही करेगी कहाँ किधर भाभी देखो हमको क्या कर रही है ये भागी है मैं देखता हूँ बच्चा को तो ये पढ़ना ही नहीं अरे किधर भागी है जी है ओ बाहर निकल गई ना वो बाहर भागी है जी अच्छा हम ही को मार के लहू लुहान करके देखो भागी है देख रहे हो ना अच्छा ठीक है भागने दो और भाग के हॉस्पिटल दिखाएगी कहीं दीवार में देखना बाहर में कहीं दीवार में तो नहीं पटका रही है इसी को ध्यान रखना देखना उसको अरे माथा तो फोड़ के ले जाएगी वो करेगी वो वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक पति पत्नी के बीच उनके बच्चे को कपड़ा पहनाने को लेकर के बहस होती है जिसके बाद पत्नी पति को नाखून मारकर भागती है पीछे से पति उसका पीछा करता है और ये कहता है कि ये अक्सर हमारे साथ इसी तरह से करती है पहले तो खुद मारेगी और फिर ये उल्टा FIR कराएगी या फिर उल्टा हम पर आरोप लगाएगी। वीडियो में जो शख्स अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है बल्कि वो खुद एक IPS ऑफिसर है। जी हाँ, झारखंड के एक पुलिस अधिकारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी उनके साथ मारपीट करती है और फिर उनके खिलाफ ही उल्टा मारपीट का मामला दर्ज करवा देती है। अधिकारी ने पत्नी पर शारीरिक पारिवारिक और भीषण मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। रामगढ़ के डिप्यूटी SP किशोर रजक ने 3 सितंबर को एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में किशोर रजक ने नाखून से बने निशान को दिखाया। उन्होंने कहा कि पत्नी वर्षा श्रीवास्तव ने उन्हें घायल कर दिया है और फिर घर से भाग गई। हालांकि पत्नी वर्षा श्रीवास्तव इन तमाम आरोपों को खारिज करती हैं। वर्षा श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी कोर्ट मैरिज हुई थी इसलिए रेप की धमकी देकर शादी करने का आरोप झूठ है।
दरअसल वीडियो शेयर करते हुए एसडीपीओ किशोर रजक ने लिखा कि पत्नी ने मुझ पर अनगिनत बार हमले किए हैं। पत्नी के क्रूर हिंसक व्यवहार से बच्चा उससे नफरत करता है, उसको देखने भर से ही चिल्लाने लगता है। मेरे ना रहने पर मजबूरी में उसको रहना पड़ता है। आज सुबह हिंसा का वीडियो देखें। और जिसके बाद उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। किशोर रजक ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्षा श्रीवास्तव के सैकड़ों फेसबुक वीडियो और पोस्ट को देखें, उसका इरादा पता चलेगा। पोस्ट के आखिर में एसडीपीओ किशोर रजक ने लिखा, मेरे रहते बच्चा किसी भी कीमत पर अपनी माँ के पास नहीं जाएगा। बच्चा माँ को देखते ही मेरी तरफ भागता है, रोता है, चिल्लाता है। पुलिस, न्यायालय, सामाजिक संस्थाएं, महिला संस्थाएं जो भी चाहें इसकी परीक्षा कर सकती हैं। अंत में एसडीपीओ किशोर रजक ने लिखा कि पत्नी ने रेप की धमकी देकर मुझसे शादी की। पत्नी ने अब तक मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ 6 प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इससे पहले अप्रैल महीने में वर्षा ने किशोर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। तब वर्षा ने कहा था कि उनके पति का एक महिला के साथ अवैध संबंध है और वो उस महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। वर्षा का आरोप है कि किशोर उनके साथ घर पर मारपीट करते हैं और मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि आखिर इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपना कीमती सुझाव जरूर दें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।